हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के अध्याय क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग जो है इससे आगे की टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका प्यारा चैनल है टॉप 10 क्लासेस, ये आपको हर एक क्लास की 9 से लेके 12 तक हर एक क्लास की जितनी भी सिलेबस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की पूरी डिटेल से जानकारी देगा, पूरे डिटेल से आपको पढ़ाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, आपका टाइम ना लेते हुए चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका चौथा सवाल जो है पढ़ाना है। चौथा सवाल क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का, ठीक प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.2 पढ़ने हैं। वो भी किस क्या पढ़ना है? चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न को पढ़ना है तो पहले देख लेते हो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, यदि असंगत है तो हल ज्ञात नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, चलिए आपको आपके समय को ना लेते हुए हम लोग चौथे का पहला सवाल लिखते हैं। प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। फिर क्या दिया है? 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 10 है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a1 का मान निकालते हैं। a1 बराबर होता है x का गुणांक, x में किसी का गुणांक नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? b1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 y का गुणांक होता है। और c1 बराबर क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर भी क्या हो गया? 10 हो गए। प्यारे बच्चों, फिर से अब क्या करते हैं, अनुपातों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? अनुपातों की तुलना करने पर, क्या करने पर? अनुपातों की तुलना करने पर। तो आप जब अनुपातों की तुलना करोगे क्या आएगा? a1 अपान a2। a1 का मान कितना है? 1 है। a2 का मान कितना है? 2 है। फिर b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 कितना है? b1 का मान 1 है और b2 का मान कितना है? 2 है। फिर प्यारे बच्चों c1 अपान c2, तो c1 का मान कितना है? 5 है। c2 का मान कितना है? 10। 5 × 5 = 10। तो प्यारे बच्चों, अनुपातों की तुलना करने पर हम लोग देख पा रहे हैं कि a1 अपान a2 भी 1/2 है, b1 अपान b2 भी 1/2 है, c1 अपान c2 भी 1/2 है। तो अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a1 अपान a2 = b1 अपान b2 इक्वल क्या हो जाएगा? c1 अपान c2। तो हम जानते हैं जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इस प्रकार की रेखाएं या ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं? संपाती होती हैं। कौन सी रेखाएं होते हैं प्यारे बच्चों? संपाती रेखाएं होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण का अनेक हल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? अनेक हल होंगे। अब जब ये पता हो गया इनके अनेक हल होंगे, अतः लिख देंगे, अतः रेखा युग्म क्या है? संगत है। क्या है प्यारे बच्चों? संगत है। अतः रेखा युग्म क्या है? संगत है। तो बोल रहा था संगत है, आप इसे ग्राफी विधि से क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लोगे, इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। तो समीकरण एक आपका क्या कह रहा है? समीकरण एक है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5। y का पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5 − y। ये प्लस y उधर चले जाएंगे तो माइनस y हो जाएंगे। अब x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो ये इस प्रकार हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये x हो गए, ये क्या हो गए? y हो गए। डियर स्टूडेंट,
अब क्या करते हैं, इस y के स्थान पर अगर जीरो रख दे, y के स्थान पर जीरो रख दे तो पाँच में से जीरो घटाओगे तो x का मान पाँच ही मिलेगा। अगर y के स्थान पर एक रख दे तो पाँच में से एक घटाओगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग समीकरण दो से करते हैं। समीकरण दो से क्या लिखा जा सकता है, समीकरण दो है 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। प्यारे बच्चों ये देखिए दो से सब में भाग जा रहा है तो आप भाग भी दे सकते हो, तो यहाँ से दो कॉमन है तो क्या आ गया, x प्लस क्या हो गया, y हो गया बराबर 10। दो एक के दो, दो पंचे 10, x प्लस y बराबर क्या आ गया, पाँच आ गया। y उधर चले जाएंगे तो पाँच माइनस वाई हो जाएगा, फिर से इसमें हम लोग x और y का क्या ज्ञात कर लेंगे, वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ये x हो गए, ये क्या हो गया y। y के स्थान पर अगर दो रखोगे तो पाँच में से दो घटाओगे तीन आ जाएगा, y के स्थान पे चार रखोगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, पाँच में से चार घटा दोगे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये स्टूडेंट आइए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ एकदम ईजिली होता है, एकदम ईजी टॉपिक होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमको पता है ग्राफ बनाने के लिए एक क्षैतिज लाइन जिसे x अक्ष कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइन जिसे y अक्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों x की जरूरत पड़ने वाली है और किसकी जरूरत पड़ने वाली है, y की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लिए और ये क्षैतिज, क्षैतिज वाले का नाम x, ऊर्ध्वाधर वाले का नाम y, और ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटे उस बिंदु का नाम मूल बिंदु होता है। तो x पे कितना है बच्चों, पाँच है, y पे कितना है, जीरो है, यानी x पे आपको पाँच तक चाहिए। तो दो तीन चार पाँच छः, y भी एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए x पे कितना है, पाँच है, y पे कितना है, जीरो है, यानी x पे हमको पाँच हेरना है, तो x पे यहाँ पाँच है, y पे जीरो, यानी y पे जीरो यहीं पर मिलेगा, तो पाँच और क्या हो गए, जीरो हो गए। x पे कितना है, चार है, y पे एक है, तो x पे चार y पे एक, ये देखिएगा y पे एक मिल गए। तो आप इसको ला के मिला देंगे तो ये वाली जो पॉइंट होगी वो पॉइंट क्या होगी, चार और एक हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, दोनों बिंदुओं को मिला दोगे एक रेखा मिल जाएगी, उस रेखा का क्या नाम होगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, पाँच है, सॉरी हाँ सही है भैया। अब उसके बाद दूसरा क्या है, x पे कितना है, थ्री है, y पे कितना है, टू है, x पे थ्री y पे टू आपके देखिए ये मिल जाएंगे, x पे थ्री और y पे कहाँ मिल जाएंगे, टू। तो ये देखिए ये वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे, थ्री और टू हो जाएंगे। फिर क्या है, x पे एक y पे चार, x पे एक y पे चार आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये एक हो गए और क्या हो गए, चार हो गए। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दें ऐसा लगेगा कि ये चारों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा पे हैं या दोनों रेखा एक दूसरे पे खींची गई हैं। तो अतः इसी ये जो ये दोनों रेखाएं हैं वो क्या हैं प्यारे बच्चों, संपाती रेखाएं हैं। तो इस दिए गए जो समस्या है उसका जो ग्राफ है ये आपका इस प्रकार बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसके सवाल को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसका, x माइनस वाई इक्वल टू आठ है और 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a1 का मान निकालते हैं, तो a1 बराबर होता है x का गुणांक तो एक आ जाएगा, b1 का मान निकालेंगे तो माइनस एक आ जाएगा, और c1 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आठ। इसी प्रकार यहाँ से a2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, b2 का मान निकालेंगे माइनस दो, और c2 का मान निकालेंगे माइनस चार आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर प्यारे बच्चों, अनुपातों की तुलना करने पर।
तो अनुपातों की तुलना करते हैं तो क्या आएगा, ए वन अपान ए टू, ए वन अपान ए टू एक है और ए टू कितना है चार है। फिर क्या बी वन अपान बी टू, बी वन कितना है माइनस एक है और बी टू कितना है माइनस दो, कैंसिल हो गए बराबर एक बटे दो आ गए। फिर क्या है प्यारे बच्चों, सी वन अपान सी टू, सी वन है आठ और सी टू है माइनस चार, कैंसिल कर दोगे तो माइनस दो आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं ए वन अपान ए टू बराबर एक बटे चार है, बी वन अपान बी टू बराबर एक बटे दो है, सी वन अपान सी टू बराबर माइनस दो है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल सी वन अपान क्या हो जाएगा सी टू, नॉट इक्वल सी वन अपान क्या हो जाएगा सी टू। तो लिख देंगे, हमने चार्ट में पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जब ऐसी स्थिति आती है डियर स्टूडेंट, जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः लिख देंगे दिए गए रेखा युग्म, अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण एक दूसरे के संगत हैं, सॉरी एक दूसरे के असंगत हैं। क्या है प्यारे बच्चों, असंगत हैं। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का ग्राफ हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, असंगत हैं। तो प्यारे बच्चों एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि किसको संगत माना जाए किसको असंगत माना जाए। तो डियर स्टूडेंट जिस समीकरण का केवल एक हल हो वो आपके क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। या अनेक हल हो तब भी उनको आप संगत मानोगे। और केवल एक स्थिति आती है, कोई हल ना हो। क्या हो प्यारे बच्चों, कोई हल ना हो तो क्या हो जाता है आपका, असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है, असंगत होता है। ये आपकी याद करने वाली, नोट करने वाली पॉइंट हो गई। ठीक प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका चौथे का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तीसरे नंबर और जो चौथे नंबर है प्यारे बच्चों वो आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। अगर नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम उसको बता देंगे। चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ। तो डियर स्टूडेंट आपका पांचवा नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक आयताकार बाघ है। क्या है प्यारे बच्चों, आइए पांचवा देखते हैं। सबसे पहले आयत क्या होता है, आयत वो होती है जिसमें लंबाई भी हो और क्या हो, चौड़ाई हो, दो ठो लंबाई हो, दो ठो का हो, चौड़ाई हो। तो एक आयतकार बाघ हो गई जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मानते हैं, माना चौड़ाई कितनी है, एक्स है। माना चौड़ाई कितनी है भैया, एक्स है। ठीक भैया, अब लंबाई क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। लंबाई क्या मान लेते हैं भैया, वाई मान लेते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं, माना आयतकार बाघ की लंबाई, माना आयतकार बाघ की लंबाई, आयतकार बाघ की लंबाई कितनी है भैया, वाई है। या पहले बाघ की क्या लिखते हैं हम लोग, चौड़ाई लिखते हैं। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और लंबाई, आयतकार बाघ की लंबाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, लंबाई हो जाएगी वाई। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप कितना है प्यारे बच्चों, 36 मीटर है। क्या बच्चों, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। क्या दिया है, 36 मीटर पूछा है। फिर आपसे पूछ रहा है बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बाघ की बीमाएं यानी बाघ की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसी में कह रहा है कि जो बाघ की लंबाई है प्यारे बच्चों, जो बाघ की लंबाई यानी वाई जो है
वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो क्या करेंगे कि चौड़ाई से बाघ की लंबाई, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर बाघ की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। तो ये आपके वाई प्लस क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या कर रहा है, बाघ की लंबाई, ये जो बाघ की लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये क्या बोल रहे हैं कि जो बाघ की लंबाई है, यहाँ उल्टा हो रहा है प्यारे बच्चों, ये नहीं ऐसे होने चाहिए थे, एक बार फिर समझिएगा, बाघ की लंबाई वाई चौड़ाई से 4 मीटर कितना है? अधिक है। यानी अगर आपकी चौड़ाई 10 मीटर है तो ये 14 मीटर हो जाएगा, ये 20 मीटर है तो ये 24 मीटर हो जाएगा, ये 25 है ये 29 मीटर हो जाएगा, यानी इससे 4 हमेशा अधिक रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गए, ये अब क्या करते हैं, अब आप ध्यान समझिएगा, अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करते हैं फार्मूला, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई और क्या होता है? 2 चौड़ाई। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर अर्ध परिमाप की बात आई तो प्यारे बच्चों अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? इसी का आधा, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी हमको यहाँ एक चीज मिल गए, क्या आ गए भैया? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? लंबाई और प्लस क्या होता है? चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों लंबाई क्या है यहाँ? वाई है और चौड़ाई कितनी है? एक्स है। और अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ वाई के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं? एक्स प्लस 4। वाई के स्थान पर हमने क्या रख दिया? एक्स प्लस 4। और ये पहले से एक्स थे, ये 36 आ गए। डियर स्टूडेंट अब क्या करोगे? एक्स एक्स जोड़ दोगे, एक्स एक्स जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 2x और प्लस कितना है? 4। ये बराबर कितने हैं प्यारे बच्चों? 36 है। 4 उधर चले गए, क्या आ गए? 2x बराबर 4। जब उधर जाते हैं तो प्लस 4 क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो 2x बराबर 36 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 32। 2 × 1 = 2, 16 × 2 = 32, एक्स बराबर कितना आ गया? 16। तो ये आपकी आ गई चौड़ाई। क्या आ गई डियर स्टूडेंट? चौड़ाई। तो ये आपकी क्या आ गई? चौड़ाई आ गई, ठीक। एक्स क्या था? चौड़ाई था। अब क्या चाहिए? लंबाई। क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? लंबाई। लंबाई कौन है? वाई है। और वाई किसके बराबर है? एक्स प्लस 4 के। तो 16 + 4 बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। ये आ गई इसकी लंबाई। तो इस तरह से आपका ये सवाल समाप्त हो जाता है डियर स्टूडेंट। आप नोट करना चाहो तो नोट करिए, तब हम लोग आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए छठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के। छठवां सवाल क्या है? एक रैखिक समीकरण दिया गया है। रैखिक समीकरण क्या है? 2x + 3y - 8 बराबर क्या है? 0 है। दी गई है 2 चरों की एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, यानी आपको अपने मन से एक रैखिक समीकरण लिखना है, ताकि जो समीकरण लिखो और जो दिया है, जो लिखोगे और जो दिया है, इन युग्म का जो बीजगणितीय निरूपण है वो इस प्रकार हो जाए। सबसे पहला क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी हो जाए। क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं हो। क्या हो प्यारे बच्चों? समांतर रेखाएं हो। और तीसरा इसी में दिया है, समपाती रेखाएं हो। क्या हो? समपाती रेखाएं हो। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने सवाल में ही आपको इससे पिछले वाले
टॉपिक में बताया था कि प्रतिच्छेदी कब होता है, जब A1 A2 और B1 B2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब वो प्रतिच्छेदी होते हैं। क्या बताया था हमने, जब A1 और A2 और B1 और B2 का अनुपात आपस में बराबर हो। तो डियर स्टूडेंट, हर एक के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये समीकरण अब बदलने वाला नहीं है, दूसरा आपको अपने मन से लिखना है। तो प्रतिच्छेदी के लिए हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ A1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, B1 का मान कितना आ जाएगा, 3, C1 का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -8 आ जाएगा। अब आपको अपने मन से बनाना। तो प्यारे बच्चों सोचो कि अगर हमने क्या कहा कि अगर जो समीकरण हम लोग लिखना चाह रहे हैं वो इस प्रकार लिख दे, तो 4x प्लस 6y बराबर 15 या -15 बराबर क्या लिख दिए, 0। तो प्यारे बच्चों ये ऐसे समीकरण आप लोग भी बना सकते हो, केवल आपको A1 A2 और B1 और B2 देखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए A1 कितना था, 2 है, A2 कितना है, 4 है, 2/4 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 और 6 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, आपस में बराबर हो गए। एक नहीं प्यारे बच्चों, कई लिखे जा सकते हैं। जैसे आपने क्या कहा कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके लिखे थे, अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6x, 3 × 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9y, यहाँ चाहे जो लिख लो आपकी मर्जी, 19 बराबर क्या हो गया, 0। एक नहीं कई लिख सकते हो, अब 4 का मल्टीप्लाई करके देखो, 4 × 2 = 8x, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12y, 4, अब यहाँ चाहे जो भी लिख लो, 20 लिख लो, 21 लिख लो। ये देखिए, ये सब चाहे आपका ये वाला समीकरण मिला लीजिए, इससे मिला लेंगे, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, तीनों जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं करेंगी, ये वाले इनसे प्रतिच्छेदी, ये भी इनसे प्रतिच्छेदी, ये भी इनसे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं आएंगी प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप ऐसे कई समीकरण लिख सकते हो और ये सवाल सबसे ईजी है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ समांतर रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं कह रहा है कि आपको पता है कि जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते, यानी इनका अनुपात A1/A2, B1/B2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, समांतर होते हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं, यहाँ A1 कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। अब दूसरा अपने मन से बनाना है, तो कुछ भी बना लो यार, 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ तो अब देखिए ये समीकरण बनाए, यहाँ से A2 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान कितना है, 2 है, C2 का मान -5 है प्यारे बच्चों। अब आप A1/A2 देखिए, A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, और B2 कितना है, 2 है, C1/C2 तो C1 कितना है, -5, ये कट गए, 1 आ गए प्यारे बच्चों। तो आप देखिए तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः ये जो समीकरण है, ये जो आपने लिखा है, ये समीकरण इस समीकरण के लिए समांतर रेखाएं होंगी। तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ऐसे कई नहीं आपको बहुत सारे बना सकते हो, जैसे 5x + 10y लिख दीजिए, फिर क्या लिख दोगे, -8 या 8 = 0, फिर आप 6x + 7y + 9 = 0, आप ऐसे कई बना सकते हो, कई लिख सकते हो। तो अब लास्ट आता है संपाती रेखाओं के लिए, किसके लिए आता है प्यारे बच्चों, संपाती रेखाओं के लिए। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है कि तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होने चाहिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है प्यारे बच्चों कि इस जो दिया गया समीकरण है इसी में 2 का गुणा करो, सब में 2 का गुणा करो, 2 × 2 = 4x आ जाएगा, फिर 2 × 3 = 6y, फिर यहाँ 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16, तो -16 कर दीजिए, बराबर क्या हो गया, 0 आ गया प्यारे बच्चों। तो आप इससे जब इसका कंपेयर करोगे, इससे इसका कंपेयर करोगे, तो आप देखेंगे A1/A2 भी 1/2 आएगा, B1/B2 भी 1/2 आएगा, C1/C2 भी 1/2 आएगा, तो ये संपाती रेखाएं हो जाएंगे। एक नहीं प्यारे बच्चों, इस बार 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, 3 × 6x, 3 × 3 = 9y, फिर 3 × 8 = 24 हो गए, बराबर 0। 4 का गुणा करके देखो, 8x + 12y - 32 = 0। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, संपाती रेखाएं हैं, आप एक नहीं हजारों लिख सकते हो इस प्रकार। तो ये आपका छठवां नंबर भी सवाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
सातवां सवाल जो कि इस प्रश्नावली का इस अध्याय का अंतिम सवाल है, तो अंतिम सवाल हम लोग इसका अध्ययन करने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वीडियो कभी भी लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग सातवें सवाल को देखते हैं। सातवां सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं हमारे वीडियो के माध्यम में या हमारे वीडियो में या हमारे इस क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, तो क्या है एक्स, एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर क्या है? जीरो है। फिर क्या है दूसरा समीकरण है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है? जीरो। कह रहा है का ग्राफ खींचिए और साथ साथ में x अक्ष और इन रेखाओं के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हमको इनको हल करना पड़ेगा। तो हम लोग एक y और एक का क्या कर देंगे? पक्षांतर करेंगे। तो y उधर जाएगा तो प्लस वाई, एक उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस एक। तो प्यारे बच्चों, अब एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गए एक्स, ये हो गए वाई। अगर हम कहें वाई के स्थान पे पाँच रखें तो पाँच में से एक घटा दोगे चार मिल जाएगा। वाई के स्थान पे दो रखें तो दो में से एक घटा दे क्या मिल गया? एक मिल गया। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो ये दो आई उधर जाएंगे माइनस दो आई और बारह उधर जाएगा प्लस बारह, तो बारह उधर हो गए और ये माइनस दो आई हो गए। अब तीन का हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? बारह माइनस दो आई बटे कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार हम लोग इसमें भी x और y का क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। ये x हो गए, ये y हो गए। सोचो अगर y के स्थान पे जीरो रखे तो ये पूरा भाग जीरो हो जाएगा, दो गुणे जीरो, तो बारह बटे तीन बचेगा, तीन चौके बारह। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस बार यहाँ क्या करते हैं कि ऐसा कुछ कर दे y के स्थान पे तीन रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, तीन दूनी छः, छः बारह में से छः घटाए छः, छः बटे तीन कर दिए दो आ गए। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसी को ग्राफ पे बना लेते हैं। तो ये हो गई आपकी वाई अक्ष, ये हो गई आपकी एक्स अक्ष। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ क्या होता है? मूलबिंदु। अब देखिए यहाँ से, देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या होगा कि एक्स पे आपको चार तक चाहिए, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, छः हो गए। फिर यहाँ क्या? एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। जे स्टूडेंट, देखिए एक्स पे कितना है? चार है। वाई पे कितना है? पाँच है। तो एक्स पे चार यहाँ पर, वाई पे पाँच यहाँ पर। तो हम लोग इसको मिला लेते हैं तो ठीक, ये वाले जो पॉइंट हो गए ये चार और क्या हो गए? पाँच हो गए। एक्स पे एक, वाई पे दो, एक्स पे एक, वाई पे दो, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली पॉइंट हो गई एक और दो। ठीक, इन दोनों को मिलाते हैं ये स्टूडेंट, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा तैयार होगी। आप लोग स्केल के माध्यम से मिलाओगे तो आप लोगों की लाइन टेढ़ी नहीं होगी। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपने मिला लिए। ठीक, अब अगला देखिए, x पे कितना है? चार है, y पे जीरो है। तो x पे चार और y पे जीरो, ये है चार और जीरो। x पे दो, y पे तीन, तो x पे दो, y पे कहाँ गए प्यारे बच्चों? तीन। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये हो गए प्यारे बच्चों ये वाले पॉइंट। ठीक, तो ये वाले पॉइंट हो गए दो और तीन। अब आप देखिए, तो इसको मिला दीजिएगा डी स्टूडेंट ऐसे। ठीक, अब आप देखिए कहोगे सर त्रिभुज तो बना ही नहीं है। अरे डी स्टूडेंट, आप इस लाइन को पीछे की तरफ तो बढ़ा के तो देखो त्रिभुज क्यों नहीं बने, ये देखिए। तो त्रिभुज बना कहाँ है प्यारे बच्चों? ये वाले त्रिभुज बने हैं, ये जो ये छायांकित भाग कर दे रहे हैं। क्या कहा है? छायांकित करने के लिए। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी प्यारे बच्चों। तो ये छायांकित कर देंगे तो यही जो बनेगा ये क्या है? त्रिभुज है। क्या? ये त्रिभुज हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, वो बोला है
छायांकित पटल के जो बनने वाले जो त्रिभुज हैं उनके निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक कितना है, 2 और 3 है। बी के निर्देशांक कितना है, 4 और 0। तो सी के निर्देशांक यहाँ -1 और क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ x -1 होता है, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके जो सवाल थे वो समाप्त हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने इस क्लास का आनंद लिए, वैसे और बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।